तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरे हाथ में एक रियलमी नार्जो 30 का फोन है। ठीक है, यदि आप रियलमी नार्जो का फोन यूज करते हो, 30 नहीं है, रियलमी नार्जो 10 है फ्रेंड। यदि आप रियलमी नार्जो का फोन यूज करते हो, रियलमी नार्जो का 10 हो, 20 हो, 30 प्रो हो, 50i हो, रियलमी का ऑल नार्जो फोन में अगर आपका लॉक लग जाए, पासवर्ड, पिन, पैटर्न, और आप अपने फोन में लगे हुए लॉक स्क्रीन को नहीं हटा पा रहे हो और परेशान हो गए हो कि हमारा फोन में लगे हुए लॉक स्क्रीन को कैसे हटाते हैं, तो फ्रेंड चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना कंप्यूटर का, बिना पैसा वेस्ट किए और बिना डाटा डिलीट किए कैसे रियलमी नार्जो में लगे हुए लॉक स्क्रीन को हटाया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ऐसे न्यू अपडेट एंड न्यू ट्रिक आप सभी के लिए मैं लाता रहूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप कभी भी आपका फोन लॉक हो जाए पिन, पैटर्न, पासवर्ड में, तो आप अपने फोन को अनलॉक करने की कोशिश करते हो, चाहे रॉन्ग पासवर्ड हो या सही पासवर्ड डाल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो हम भी कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, लेकिन देख रहे हो कि हमारा फोन अनलॉक नहीं हुआ, लेकिन 30 सेकेंड के लिए हमारा फोन ऑल लॉकेड हो गया है, जिस कारण से हम फिर यहाँ पे पासवर्ड, पिन, पैटर्न को देख भी नहीं पाते हैं 30 सेकेंड के लिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए हमें क्या करना है, या हमें अनलॉक करना है फोन, अनलॉक से मतलब है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपने फोन का जो सिम कार्ड है इसे आपको निकाल लेना है। ठीक है, सिम कार्ड को निकाल लेने के बाद आप अपने फोन में फोन का पावर बटन को क्लिक करके रखिएगा, प्रेस करके रखिएगा, तो आपका फोन कुछ ऐसा आइकन आपके स्क्रीन पे फेस ओपन होगा। तो आपको अपने फोन को रीस्टार्ट मोड में लेके चले जाना है। आपका फोन रीस्टार्ट मोड में जब चला जाए, तब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, जब तक आपका फोन ओपन ना हो जाता है। ठीक है, तो हमें भी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो फ्रेंड, हमारा फोन ओपन हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो हमें अब करना क्या है, देखिए, हम ऊपर से भी स्लाइड करेंगे या नीचे से भी स्क्रॉल करेंगे, फिर भी हमारा कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हमें इमरजेंसी कॉल का पेज को ओपन करना है। इमरजेंसी कॉल का पेज जब ओपन हो जाए, तब हमें यहाँ पे FRP कोड को यूज करना है, जो कि हमें सर्विस सेंटर से मिला गया है। इस कोड को आप बारीकी से अपने फोन में अगर कॉपी कर लेते हो तो आपका FRP बाईपास हो जाएगा घर बैठे। तो इस कोड को आपको फटाफट अपने फोन में कॉपी कर लेना है। जब कॉपी कर लोगे इस कोड को, तब इस कोड को एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। तो हमें मैक्सिमम यहाँ पे कॉल करना होगा 5 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम इसे कॉल करने के बाद फिर इस कोड को हमें हटा लेना है, क्योंकि इस कोड का हमें कोई जरूरत अब नहीं है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे डाटा रिकवर कोड यूज करना है, जिससे हमारा कोई भी डाटा हो फोन में वो सारा का सारा रिकवर हो जाए। तो इस कोड के हेल्प से हम अपने डाटा को भी रिकवर कर लेंगे। इस कोड का स्क्रीनशॉट ले ले, या वीडियो को रोक के कॉपी कीजिएगा ध्यान से। फिर इस कोड को हम 2 बार कंटिन्यू कॉल करेंगे एंड देन इस कोड को भी फिर इरेज कर लेंगे। जब इतना काम हमारा कंप्लीट हो जाए, तब हमें यहाँ पे हार्ड रीसेट कोड यूज करना, *#899#। ये कोड को डायल करते ही आप एक इंजीनियर मोड के फाइल पे आओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत तरह का ऑप्शन शो होगा, देख सकते हो यहाँ पे बहुत तरह का ऑप्शन है, बट हमें वही ऑप्शन यूज करना है जिससे हमारा हैंडसेट अनलॉक हो सके। तो हमें मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन को ओपन कर देना है, सेकंड नंबर डिवाइस पे आना है और जायरोस्कोप को ओपन करके डाटा डिस्प्ले को ओपन कर देना है। ये आपका डाटा डिस्प्ले सबसे पहले आपके फोन में जो भी इंपॉर्टेंट इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, फाइल या एप्लीकेशन होगा, सारा का सारा ये रिकवर करेगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा भी वेट करना है, जब तक ये कम्प्लीट ना हो जाए तब तक हमें ऐसे ही रहने देना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसे बैक करके हमें जायरोस्कोप नेटवर्क पर क्लिक करके इसे कंफर्म के लिए स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे जब सेंटेंस चेंज हो जाए तो बैक करके जायरोस्कोप सेंटेंस पे क्लिक करके यहाँ पे टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग में पास हो जाए बैक कर लेना है, ग्राफ को क्लिक करके यहाँ पे अनलॉकिंग प्रक्रिया जारी कर देना है। जब ये कंप्लीट हो जाए यहाँ पे, तो इसे बैक करके
फिर बैक करके सबसे लास्ट वाला पेज पे जाना है अदर्स पे। फिर यहाँ पे रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पास का ऑप्शन आ जाएगा। फिर होम बटन को क्लिक कर देंगे तो हमारा फोन अनलॉक हो जाएगा घर बैठे बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।